हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ श्वेता। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है रानूदी के बारे में। रानूदी, हम तो उनके बारे में इतने वीडियोस देख रहे हैं कि उनके बारे में हम सबको पता चल गया है कौन है वो, क्या करती है। उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो सच में बहुत ही दुख भरी है। जो लाइफ स्टोरी है वो भी बहुत ही स्ट्रगलिंग है। ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इधर उधर हम देखेंगे, पर हाँ, उन्हें जैसे पहचान मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो फेमस हो रही है धीरे धीरे। ये उनकी ही टैलेंट है, उनके टैलेंट के लिए ही वो यहाँ तक आ पहुंची है। भला हो उस आदमी का जिन्होंने उनका वीडियो बनाकर फेसबुक में छोड़ा था। पता नहीं, आज उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, आज हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। पर हाँ, स्टार्टेड तो उन्होंने ही की थी, और रानूदी भी शायद उनसे बहुत ही थैंकफुल है कि उन्होंने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। उनके माध्यम से वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके पहुंची है। अगर हम रानूदी की लाइफ हिस्ट्री में झाके तो हमें पता चलेगा, सच में एक लड़की के लिए ऐसे सफ़र करना वो तो एक मुश्किल है ही। उसके ऊपर गरीबी, उसके ऊपर स्ट्रगलिंग, सफरिंग, हम समझ भी नहीं सकते, शायद हम सोच भी नहीं सकते जो हम एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे मुश्किलें उनके लाइफ में आ रही थी या फिर आते हैं। एक लड़की लड़की को जब रास्ते में रहना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं। मतलब हम सारा दिन में जितना टाइम निकलते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि क्या होती है। और वो ऐसे लोग तो सारे दिन रात कैसे कैसे परेशानियों के सामने आए थे, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते रियली। पर आज मुझे यही खुशी है, सच में उनको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। वो हिमेश रेशमिया जी के साथ गा रही थी और उनके गानों को सब लोग इतना सराहा करते हैं। उनकी वॉइस तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका वॉइस सच में बहुत प्यारा है। उनके गाने बहुत प्यारे हैं, उनके वॉइस में वो स्ट्रगलिंग, वो सफरिंग झलकती है, वो दुख वो झलकता है, मतलब महसूस किया जा सकता है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ रानूदी, आप अपने रूट को मत भूलिएगा। आप जहाँ से आई है प्लीज़ डाउन टू अर्थ रहिएगा, और आपके स्ट्रगलिंग टाइम ने जिन लोगों ने आपका साथ दिया था, आप प्लीज़ आप भी आज भी आप उनका साथ ज़रूर बना के रखिएगा। क्योंकि ये वही है जो आपके स्ट्रगलिंग के टाइम पे वो आपके साथ थे। प्लीज़ उनके साथ मत छोड़िएगा, और उनके साथ अब जहाँ पे आज हो उनके साथ आप आगे बढ़िए और भी नाम कमाइए, और भी अपना नाम रोशन कीजिए, और हमारे रानाघाट का भी। हमारे रानाघाट का नाम रोशन हो रहा है तो हमारे वेस्ट बंगाल का भी नाम आएगा। थैंक यू रानूदी, आपकी इतनी अच्छी वॉइस और इतना अच्छा टैलेंट के लिए तो मैं भी आपको धन्यवाद कहती हूँ, रानाघाट को इतना आगे तक लेके जाने के लिए। और आपकी स्ट्रगलिंग और आपकी परेशानियों को सल्यूट है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।